पाकिस्तान टीम अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। जी हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद फरीद भाई बोल रहे हैं जो पाकिस्तान से हैं। उन कैसे होगा, आइए उन्हीं से जानते हैं। नेदरलैंड्स जो है वो हराए इंडिया को, ये भी लिखे, नेदरलैंड्स जो है वो इंडिया को हरा दे, यानी कि इंडिया हार गया नेदरलैंड से, और इंडिया अपने बाकी मैचेस भी सारे हार गया, यानी कि इंडिया को आपने बाहर ही करना है, ठीक है, इसी तरह बात करना है। फिर आपने दुआ करनी है कि श्रीलंका जो है ना वो अपनी फ्लाइट मिस कर दे, उनकी टीम जो है ना वो फ्लाइट मिस कर दे, वो पहुंचे ना मैच खेलने, ठीक है, वो ये एक ये हो गया। फिर आपने ये दुआ, जो इंग्लैंड की टीम है ना वो अपने मैच खेलने ना गलत स्टेडियम में पहुंच जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर उनका मैच चेन्नई में है तो समझ लें कि वो फिर कलकत्ता चले गए या दिल्ली चले गए, गलत फ्लाइट पकड़नी उनकी टीम ने और वो मैच वाले दिन पहुंचे नहीं है स्टेडियम, वो मैच जो है ना वो हुआ ही नहीं, इंग्लैंड भी निकल गया। फिर दुआ करें जो फ्रेंच ओपन है ना वो ये जो राफेल नडाल है ये जीत जाए, ठीक है, स्पेनिश प्लेयर ये जीत जाए, ये लिख लें आप। फिर दुआ करें लुइस हैमिल्टन जो है ना फॉर्मूला वन की रेस जीत जाए, फॉर्मूला वन भी बहुत जरूरी है आपके लिए, वो भी जीत जाए, ये लिखें, ठीक है। फिर गोल्फ में टाइगर वुड्स जो है ना वो आ जाए, वो जीत जाए, फिर टाइगर वुड्स जीत जाए गोल्फ का, अच्छा। फिर फॉर्मूला वन के माइकल शुमाकर जो लेजेंड है वो कोमा से वापस आ जाए, ठीक है, वो सही हो जाए बिल्कुल, ये आ गया एक और। फिर जो बाइडेन जो यूएस प्रेसिडेंट है वो निकल जाए, वो रिमूव कर दिया जाए उनको, माफ करिएगा वो थोड़ा बहक गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा। कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स डायनामिक।